हेलो गाइस, वेलकम टू कॉर्पोरेट जॉब वाला यूट्यूब चैनल। आज जो डॉक्यूमेंट हम देखने जा रहे हैं वो आ रही है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला से। यह भर्ती स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए की जा रही है। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट जॉब वाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जॉब अपडेट मिलता रहे। और यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और अभी तक सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जसपुर, राजनांदगांव, सरगुजा के लिए अपडेट नहीं किया है, अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो जाके अप्लाई कर दीजिएगा। अभी भी यदि फॉर्म एक्टिव होगा तो जाके अप्लाई कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस भर्ती को जो कि आ रही है छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल धमतरी से। यह भर्ती का जो लास्ट डेट है वो है 24 तारीख। यह भर्ती 10 तारीख को अपडेट किया गया था और यह विकासखंड कुरुद के जिला धमतरी में है के लिए की जा रही है। तो देखते हैं इस भर्ती को क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस किस के लिए रखा गया है। यहाँ सबसे पहले जो भर्ती की जा रही है वो है वैधता के लिए, जिसका मानदेय 38,100 रखा गया है। और जिसकी न्यूनतम योग्यता रखी गई है वह मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, अंग्रेजी माध्यम अर्धारी आवेदन ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप इंग्लिश मीडियम, यदि आपने 10th 12th इंग्लिश मीडियम से किया होगा, आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से किया होगा तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और मिनिमम 50% आपका होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपने जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा उसमें मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। और जो सब्जेक्ट्स आए हैं वो है हिंदी के लिए है, लेक्चर के लिए अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, यह सभी अंग्रेजी मीडियम यहाँ पे मांगा गया है। और सेकंड जो भर्ती हो की जा रही है वह है आपका कंप्यूटर शिक्षक के लिए। कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो मानदेय है वह है 35,400, बहुत अच्छा मानदेय है गाइस। ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी कंप्यूटर, BCA, BSc, BTech कंप्यूटर की उपाधि प्राथमिकता दी जाएगी। मीन्स आपका बी होना चाहिए, या तो BCA होना चाहिए या तो BSc होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस से। और इसके लिए मानदेय 35,400 है। तथा सहायक शिक्षक के लिए भी मंगाया गया है फॉर्म, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए। और इसके लिए जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, विज्ञान विषय हेतु विज्ञान संकाय से तथा कला हेतु कला संकाय से हायर सेकेंडरी में उत्तीर्ण, BEd अथवा द्वितीय DLed परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है। और शिक्षक पात्रता परीक्षा TTET या CTET को होना चाहिए, उसको ये ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। सहायक शिक्षक कला और सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए फ्री फॉर्म मंगाया गया है। और कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति अस्थाई है। मीन्स इसके लिए जो ये भर्ती है ये अस्थाई है, ये एक संविदा भर्ती है, ये रेगुलर भर्ती नहीं है। बट इसका जो मानदेय गाइस वो बहुत अच्छा है, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा क्योंकि इसका सैलरी बहुत अच्छा है। और जो अगला और जो इसके लिए है, आगे देखते हैं हम इसमें और जो माने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया उसके लिए क्या लिखा गया है। जैसे कि आपकी आपको 10वीं और 12वीं का बोर्ड का परीक्षा आपको सबमिट करना होगा, आपको उसका जो भी मार्कशीट होगा वो सबमिट करना होगा। आपको स्नातक एवं पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपको सारा सेमेस्टर का आपको अंक सूची लगाना होगा आपके फॉर्म के साथ। और छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, यदि आप OBC, SC, ST से बिलोंग करेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। यदि आपने BEd, DEd, DLed किया होगा तो उसका प्रशिक्षित प्रमाण पत्र भी लगाइएगा। आप यदि TET, SET, CTET किए होंगे, मीन्स छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट भी पास किए होंगे, तो उसका भी आप जरूर इसका सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपको कंप्यूटर जो से भी जो भी आपने जो भी आप पास किए होंगे उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। यदि आप कोई भी गाइस यदि गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपकी नियुक्ति को अमान्य ठहरा दिया जाएगा, आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को एक निश्चित समय दिया जाएगा। अब आवेदन सूची में त्रुटियों की स्थिति में आपको एक बार आपको यदि दावा आपत्ति के लिए आपको एक मौका मिलेगा, मीन्स आपको एक बार यदि एलिजिबल कर दिया जाएगा तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक आवेदन करें। यदि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और यदि आपने करना चाहेंगे तो आपको पृथक आपको अलग अलग फॉर्म भेजना होगा, एक ही फॉर्म में नहीं भेजिएगा गाइस, इनएलिजिबल हो जाएंगे नहीं तो। और कुछ और देख लेते हैं और क्या इसमें हमें देखा गया है। और संविदा भर्ती के समान विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस की अनुसार ही की जाएगी।
और जिला स्तरीय चयन समिति गठित की पूर्ण की जाएगी। और इसमें कुछ जैसे कि वैधता के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में जो होगा उसका 50% ये मेरिट लिस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे, स्नातक से 30% और हायर सेकेंडरी से 20%, और तथा शिक्षक के लिए स्नातक से 50%, हायर सेकेंडरी से 30% और हाई स्कूल से 20%। कंप्यूटर शिक्षक के लिए 50% लेंगे आपका ग्रेजुएशन से, हायर सेकेंडरी से 30%, और आपका जो भी कौशल परीक्षा होगा जो इंटरव्यू होगा उसका 20% ये मेरिट लिस्ट के लिए करेंगे शॉर्ट लिस्ट। तथा सहायक शिक्षक के लिए हायर सेकेंडरी से 60% तथा हाई स्कूल से 40% ये लेंगे आपको। और एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए या आगे जो भी कौशल परीक्षा का उसके लिए। मैं इसका आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ, उसका भी एक बार फॉर्म भी देख लीजिएगा। इसका ये फॉर्म है, मैं लिंक में इसका अटैच कर दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो दूसरा हम ड्राइव देख लेते हैं जो कि यही आ रही है धमतरी जिला से ही, जो कि विकासखंड गोकुलपुर है जिला धमतरी में। यहाँ भी व्याख्या के लिए मंगाया गया है, सेम है यहाँ पे गाइस, जो भी वहाँ पे था यहाँ पे भी सेम है। शिक्षक कंप्यूटर के लिए, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए, सहायक शिक्षक कला के लिए है। तो इसका भी मैं लिंक अटैच कर दूंगा, दोनों का लिंक अटैच कर दूंगा, आप दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।